वक्त की बड़ी खबर, मणिशंकर अय्यर के बयान पर अमित शाह ने पलटवार किया है। जी हां, झारखंड की एक रैली में अमित शाह ने मणिशंकर अय्यर के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, भारत को पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि उसके पास परमाणु बम है और वो परमाणु बम फोड़ सकता है। मणिशंकर अय्यर हमें धमकी दे रहे हैं, देश को धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान को सम्मान दीजिए, उनके पास एटॉमिक बॉम्ब है। कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला इंडी अलायंस के नेता कहते हैं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटॉमिक बॉम्ब है। मैं कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस वालों को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, इसको कोई नहीं छीन सकता, भारत से कोई नहीं छीन सकता। भाइयों बहनों, ये पाकिस्तान के पास से पाक ऑक्यूपाई कश्मीर लाने की जगह कांग्रेस पार्टी एटम बम की बात कर भारत की जनता को डरा रही। मुझे मालूम नहीं है एक कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है। हमारी संसद ने सर्वानुमत से प्रस्ताव पारित किया है, संसद का स्टैंड है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, और आप आज पाकिस्तान के लिए एटम बॉम्ब की बात कर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर पीओके पर सवालिया निशान लगा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अपर है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की इंच इंच भूमि भारत की है और वो भारत में रहनी चाहिए। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।